आज है थर्ड डे। कल का मैंने कुछ शूट नहीं किया, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बारिश पूरा दिन थी। सुबह 5 बजे से लेके पूरी रात बारिश रही है, पूरा दिन पूरी रात। ठीक है, अब मौसम थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा ही खुला हुआ है, ज़्यादा नहीं, कभी भी आ सकती है। तीसरी चीज़ इत्तेफाक की बात है, जब भी हम निकलते हैं बूंदे पड़नी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी नहा धो के टाइम हो रखा है सुबह के 7 और हम निकल चुके हैं। दिस इज सुशील, नितिन वो तो पीछे ही रहता है, पूरा ये रहा, ये हमेशा पीछे ही रहता है। तो अभी चलते हैं, हम फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं, देख सकते हो, अब पहुंचेंगे सीधा मुजफ्फरनगर। तो तब तक के लिए वेट करो। तो भैया आज भी है ना पूरा दिन बारिश रही, देख सकते हो पानी भरा हुआ है। तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इससे अंदाजा हो जाएगा आपको। बाकी पैरों में मैंने थोड़ा जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, टाइम हो रखा है अभी फ्रंट टाइम हो रखा है भाई, 1 से ऊपर का टाइम हो रखा है, और अभी चल रहे हैं। तीसरी चीज़ एक ये लिया है डंडा, थोड़ा सहारा मिलता रहेगा। आँखों में नींद भरी है जो कि बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो भाई चलते हैं थोड़ी और आगे। भाई मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और अभी परिक्रमा करेंगे, ये रहा मंदिर शिव चौक, नई चप्पल दी है और बाकी पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। पुलिस वुलिस की नई चप्पल इसलिए लेनी पड़ी, वो पुरानी चप्पल टूट गई। ये रद्द कर दो दर्शन, पढ़ लेने दे। तो एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। तो भाई चलते जा रहे हैं, पैरों पे पट्टी नहीं बंधवाई थी, देख सकते हो क्या हाल हो रखा है, छिला हुआ है सब कुछ और छाले फटे हुए हैं। ठीक है, और हम पहुंच चुके हैं काकड़ा, बुढ़ाना है यहाँ से 15 और बाग पते 66, ये रहा ना बोर्ड, काकड़ा 0। चल रहे हैं भाई, फ़ोन में भी चार्जिंग कम है क्योंकि बारिश आ जाती है ना, तो ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा ना मैं एडिट कर पा रहा, तो पहुँच के ही एडिट करूँगा तभी ही डाल दूँगा मैं। तो चल रहे हैं अभी, सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, देखेंगे 7-8 किलोमीटर चलने के बाद कुछ देखते हैं। तो भाई अब पहुँच चुके हैं बसाना, हम 4 बज रखे हैं और देख सकते हो कितने पसीने आ रखे हैं। आज 5-5 किलोमीटर के 3 सेट मार चुके हैं और 2-3 सेट और मारेंगे, 30 किलोमीटर हो जाएगा लगभग, लगभग 30 ना होगा 27-28 हो जाएगा। बाकी सुशील को देख सकते हो गेवर ने तोड़न लाग रहा भाई, और कुछ ना कर रहा, जित भी देख कोड़े गेवर ने तोड़न लाग रहा है। अरे यहाँ पे चल रहे हैं पकौड़े, तो अभी यहाँ रुके थे यहाँ से ना के, क्योंकि पसीने वसीने आ रखे बहुत ज़्यादा, तो एक बार पकौड़े वकोड़े और चाय वाय पी लेते हैं। तो भाई देख लो हमारा बोला ना रहा है, कैसे ना रहा है सुशील, सुशील बोले एक बार फिर कर ये उस तरह जिस तरह कर रहा था क्योंकि भाई कुछ भी खाने पीने के बाद नहाना पड़ता है, इसमें ये परहेज है, कुछ भी नमक नमक का खाएंगे तो नहाना पड़ता है। तो सुशील बोला ना रहा है, देख सकते हो सिस्टम, ओ हो कती सिस्टम पड़ रखा है। तो अब मैं अपना बैग ले आता हूँ, नहा लेता हूँ और पट्टी बंधवा लेता हूँ, आगे पट्टी बांधने का मक्खी सही हो जाएगा, हाँ वो तो जाएंगे। तो भाई चलते चलते रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं बड़ौद शहर, और आज का हमने मे भी 27-28 या कर ही लिया हुआ इतना मेरे हिसाब से, क्यों नितिन? हाँ भाई इतना कर लिया, और लोग है ना ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जैसे कुछ खेल सा चल रहा हो ना, इतनी उत्सुकता है लोगों में देखने के लिए, पीछे बहुत ज़्यादा थे, यहाँ कम है, बच्चे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनके, ऐसा है कि जैसे खेल चल रहा, वैसे खेल तो चल ही रहा है, नितिन वाली बात है, कोई लटका का चल रहा है, कोई लंगड़ा चल रहा है, कोई घिसड़ का चल रहा है। बाकी देख सकते हो पसीने कितने यहाँ रखे हैं, और चल रहे हैं क्योंकि सुशील हमसे 1.5 किलोमीटर आगे है, और देखते हैं आज का रात का स्टे कहाँ करते हैं। देखना पूरी भीड़ है मार्केट में, बाकी व्यवस्था भी पूरी है भाई, पुलिस वुलिस हर जगह है, जहाँ से रास्ता है ना हर जगह पुलिस वगैरह है। देखना बच्चे कैसे बैठे हैं, तो भाई अभी चल रहे हैं सीधे सीधे चलते हैं। पूरी भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की, और पुलिस का भी काम सही चल रहा है, हर जगह देखो रास्ता बताने के लिए आगे से बंद कर दिया,
अब यहाँ से जाऊँ। तो पुलिस भी हर कट पे खड़ी है, सही काम कर रहे हैं योगी जी। एक चीज़ तो है, दुकानें कुछ कुछ खुली हुई हैं, बाकी दुकानें बंद हैं। बच्चे बैठे हैं अपने घरों के बाहर, उत्सुकता है इतनी। बम बम बोले, बम बम बोले, इतनी उत्सुकता बच्चों में देख लो। क्या बोलेगी, तो ये चल रहे हैं, खाना भी नहीं खाया है, अब खाना खाएंगे जाके। पहले भाई सामने सुशील खड़ा है, अब देख लो कच्चे कच्चे में खड़ा है भाई साहब, मुंह फेर लिया। तो भाई चलते चलते जमुना पहुंच चुके हैं, गोरी पुल, ये पुल है। और देख लो गंगा का बहाव कितना ज्यादा ऊपर तक आ रखा है, ये देखो। वैसे ना एक कच्चा रास्ता निकलता था आगे से, वो है ना 5-7 किलोमीटर छोटा था, लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा है तो खेतों में पानी भरा है, तो इसलिए बंद कर दिया। 5-7 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तो चलते हैं भाई पानी बोतल में। तो भाई इसके बाद है ना मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई। एक तो पहले वो छोटे वाला फ़ोन तो पहले से ही थोड़ा ऐसा ही था, बस काम चला हो, तो उसमें पानी बारिश का पानी घुसने के कारण स्क्रीन ख़राब हो गई थी, और ये फ़ोन भी मेरा डेड हो चुका था, नहीं पता ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं आगे का कुछ शूट नहीं कर पाया। बट एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, फर्स्ट टाइम मैं पैदल वाली लेके आया हूँ, डाक का और तो मैं 2 बार लेके आ चुका हूँ, तो मतलब कि फर्स्ट टाइम इतना अच्छा लगा। लेकिन एक वही बात है, थोड़ा बारिश ने परेशान किया, बट ठीक है बारिश नहीं आती तो धूप परेशान करती, अब जो था वो था, और हमने अच्छा अपना जल चढ़ा दिया था। तो इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ में, कोई अच्छे से घूमने जाएंगे कहीं, तो मिलते हैं तब आपसे। इतने लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।